नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। अमेरिका के मिसौरी में वन विभाग को एक आम आदमी के कदकाठी के बराबर मकड़ी की जाल मिली है। इतने बड़े आकार का जाल देखने के लिए वहां बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग भी पहुंचे। मकड़ी के इस जाल की विशालता को देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वास्तविक है। जब वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये जाल स्पाइडर वेबर नाम की मकड़ी ने बुना है, तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ। मकड़ी का ये जाल दो पेड़ों के बीच में फैला हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तस्वीर देखने से ही समझ में आ रही है। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इस मकड़ी के जाले की बुनाई की तारीफ की तो कुछ लोगों ने कहा कि रात के अंधेरे में कोई आदमी इस जाले में उलझ सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस चिपचिपे पदार्थ और अंधेरी रात में जंगल में होने के कारण इसकी मौत हो जाए। अमेरिका के कई पर्यावरणविदों ने लोगों को इस मकड़ी से सावधान रहने को कहा है। उनका कहना है कि ये आपके बागीचे और घर के आसपास भी जाले लगा सकते हैं, जिसमें फंसकर किसी छोटे बच्चे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वन विभाग ने बताया कि स्पाइडर वेबर मकड़ी अपने जटिल बुनाई पैटर्न के लिए भी जानी जाती है। मिसौरी रीजन में ऑर्ब वेइंग मकड़ियों की कई प्रजातियां हैं। इन सभी को स्पॉटेड ऑर्बर्स कहा जाता है। इनमें से कुछ के बीच भेद कर पाना कई विशेषज्ञों के लिए भी आसान नहीं होता है। इस मकड़ी की लंबाई आमतौर पर 1 इंच से कम ही होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।